परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यदि कोई साधक शरणागति को ही अपना जीवन बना ले तो उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि शरणागत के कल्याण का भार जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए भगवान ने भागवत गीता के एक श्लोक में कहा भी है कि तुम मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुझे तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके शाश्वत शांति और मोक्ष प्रदान करूंगा। भक्तों को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दे या ना दे, प्रेम दे या ना दे, वृत्तियों को ठीक करें या ना करें, हमें शुद्ध बनाएं या ना बनाएं, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली के बच्चे जैसा बनना चाहिए। जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है, बिल्ली चाहे जहाँ रखे चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पर समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है, भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता है। भक्त जो कुछ काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के लिए करता है, अपने लिए किंचित मात्र भी नहीं करता है, यही उसका हाथ पैर समेटना है। शरणागत भक्त को कभी अपनी मर्जी भगवान पर नहीं थोपनी चाहिए। वह जितना अधिक निश्चित और निर्भय होगा, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है, और वह जितनी अधिक चिंता करता है, अपने मन की मानता है, उतना ही वह आई हुई भगवत कृपा में रुकावट लगाता है, अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो भी विलक्षण विचित्र अखंड अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बड़ी बाधा आती है। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुआरे के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती है। ऐसे ही भगवान की माया संसार के मोह में पड़कर जो जीव फंस जाते हैं वे जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। भगवान ने भागवत गीता में कहा है, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात भगवान का भाव तो समस्त जीव को माया जाल से मुक्त करके अपनी शरण में लेने का है, परंतु हम जीवात्माएं संसार के सुखों की माया में खुद ही फंस जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सुख भी कुछ और नहीं, हमारे मन की एक माया ही है, जो पानी के बुलबुले के समान ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसका ज्ञान मुझे तब हुआ जब श्री भगवान ने मेरी शरणागति को स्वीकार करके अपनी इस सुख दुख की माया से मुक्ति प्रदान की। वैसे तो भगवान किसी भी जीव के आर्तभाव अथवा सरल हृदय की पुकार पर तत्काल अपने शरण में ले लेते हैं, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे भीतर ज्ञान का अभिमान भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण हमारे हृदय की सरलता समाप्त हो जाती है, जिसके निवारण हेतु किसी महात्मा ने हमें भगवान की शरण पाने के लिए समर्पण के संकल्प का उपाय बताया है, जिसका सफल प्रयोग मैंने कई भाई बहनों पर भी किया, जिसमें भगवान से शरण लेने की प्रार्थना अपने अंजलि में जल लेकर करते हैं। इसके साथ ही आपका सेवक इस सत्संग को यहीं विराम देता है, फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी पोस्ट के साथ। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। जय श्री हरि।